हर समाज का अलगपन उसके ऐतिहासिक बातों से, संस्कृति और खाद्य पदार्थ के स्वाद से भी जाना जाता है। जिधर उस समाज में मुख्य रूप से पसंद किए जाने वाले पदार्थ उसके अलगपन का एहसास कराता है। इसीलिए महाराष्ट्रीयन समाज की पहचान सब्जी और भाकरी, केरल समाज की पहचान साउथ इंडियन पदार्थ से तो मुस्लिम समाज की पहचान उनके शाकाहारी और मांसाहारी जायकेदार पदार्थों से भी होती है, जिसका अलगपन हमेशा ही हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेरुल के हबीबी रेस्टोरेंट ने भी इसी को बरकरार रखते हुए लव फूड हेट वेस्ट इस टैगलाइन के सहारे अनोखा संदेश देने का भी प्रयास किया है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को महापौर सागर नाइक के हाथों किया गया, जहां नेरुल परिसर में रहने वाले मुस्लिम धर्मियों के लिए ये रेस्टोरेंट काफी महत्वपूर्ण साबित होने का विश्वास महापौर सागर नाइक ने व्यक्त किया। ज्या ज्या जाती धर्माचे लोक आहेत ते आपल्या जातीचं अस्तित्व आणि आपल्या जातीची ओळख दुसऱ्या लोकांना व्हावी त्यासाठी वेगवेगळे असतं। आता कोकणी फूड आहे, साऊथ इंडियन आहे, मग बंगाली आहे। आता इकडे एक प्रॉपर मॉमेडियन फूड, मॉमेडियन टेस्ट, एक स्पेशल टेस्ट असते, ती आपल्याला इकडे लोकांना भेटणार आहे। तर त्याचा म्हणजे घरामध्ये नाही बनवू शकलो तर इथे बाहेर येऊन ते खाऊ शकतात। इस रेस्टोरेंट से मुस्लिम धर्मियों के लिए विभिन्न त्योहारों के समय बनाए जाने वाले पदार्थों का आस्वाद भी लिया जा सकता है, जिधर इस कारण अन्य शहरों में जाने की जद्दोजहद भी अब खत्म हो गई है। जहां पदार्थ के सही जायके का आस्वाद दिलाने में हबीबी रेस्टोरेंट पूरी तरह से लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का विश्वास इस रेस्टोरेंट के मालक सलीम सैयद ने व्यक्त किया। नवी मुंबई 19 सदीची ये सिटी है, ऐसा आपला सगळीकडे ओळख है। त्यानिमित्ताने इथे आम्ही ये हबीबी नावाचं जे हॉटेल उघडलेलं आहे या ठिकाणी आता महापौर माननीय महापौर यांचे हस्ते स्वागत उद्घाटन झालं। हे हॉटेल, हे जे हॉटेल आहे त्याचा उद्देश असा आहे, या विभागात सर्व मुस्लिम बांधवांची जास्त जास्त लोकसंख्या असल्यामुळे आणि पुढच्या काळात आमच्या पवित्र रमजानचा महिना समोर आहे ते लक्षात घेता आम्ही अशी व्यूहरचना ठरवलेली आहे। जे मुस्लिम बांधव ज्यांचं टिपिकल जेवण असतात त्यासाठी इथून जे लोक मुंबईला जातात भेंडी बाजार वगैरे वगैरे, या रमजानमध्ये तिथे त्यांना जावं लागणार नाही, हे निश्चित तुम्हाला मी अशी खात्री देतो। तो रेस्टॉरंट की ओर से भी लव फूड हेट वेस्ट का महत्वपूर्ण संदेश देते हुए खाने की बर्बादी रोकने हेतु भी प्रयास किए जाएंगे। लोगों को हम मैसेज कर रहे हैं कि आप खाने को वेस्टेज मत करो और उससे प्यार करो। इस मौके पर रेस्टोरेंट के मालक हकीम सैयद, मैनेजर हबीब समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थिति लगाई थी। कैमरामैन सुशांत पवार के साथ स्वप्नाली देसाई की रिपोर्ट।